ये देखिए मूल मंत्र है हमारे जपजीत साहब जो हमारा पाठ है उसकी पौड़ी है और जैसे हर सिंगर ने जो शेखर ने अपनी आवाज़ में हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया है वैसे ही कनिका पंजाबी हैं और बहुत सारे पंजाबी और सिख हैं जो ये मूल मंत्र सुनते हैं दुनिया में और भी बहुत नॉन पंजाबी भी हैं जो मूल मंत्र सुनते हैं क्यों कार सतनाम और रंग दे बसंती फिल्म में भी आया था आपने सुना था वो हर्षदीप कौर ने गाया था तो हर सिंगर का कोई की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है उनके अपने चाहने वाले होते हैं तो अच्छी बात है कि जो आवाज़ वीवी डॉल और चिटियाँ चलाई हैं जैसे गानों में यूज़ हुई है वो आज उन्होंने मूल मंत्र रिकॉर्ड किया है तो जितने भी लोग उनकी आवाज़ को लाइक करते हैं वो उनकी आवाज़ में अपना फेवरेट मूल मंत्र सुन पाएंगे तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टाइम्स की तरफ से कनिका के साथ जब भी गाना रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी बात किसी को पता नहीं पहले दिन से जब वो लंदन से आई थी तब से लेके आज तक एक जैन सैंडविच है बहुत बड़ा सा इतने बड़े साइज़ का होता है वो बिना खाए वो गाना नहीं गा पाती वो तो वो हमको पहले दिन से आज तक आज भी हमको पहले वो खिलाना पड़ता है उसके बाद उनकी आवाज़ बाहर निकलती है तो मूल मंत्र के पहले भी जरूर उन्होंने वो सैंडविच खाया होगा जिससे किसी को पता नहीं है कि वो जैन सैंडविच खाए बगैर गा नहीं पाते अभी हमारी नहीं हमने अपना म्यूज़िक यूट्यूब चैनल और म्यूज़िक लेबल लॉन्च किया है जिसमें हम लोग अपने 5-7 आर्टिस्टों के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं इसमें कनिका के साथ हमारा बहुत अच्छा गाना आ रहा है मिस पूजा के साथ आ रहा है नेहा वसीम के साथ आ रहा है तो ये गाने हम खुद अपने खुद के ज़रिए से रिलीज़ करेंगे मीट रोज MB म्यूज़िक के थ्रू और ये आर्टिस्ट बेस्ड कंपनी है तो ये म्यूज़िक जो आएगा ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है बहुत अच्छे गाने हैं और अपने अच्छे चुनिंदा जो हमारी धुनें थी जो अच्छे गाने थे वो हमने छुपा के रखे थे इसके लिए वो बाहर निकाले जो फिल्मों में नहीं दिए और क्योंकि फिल्मों में गाना जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से फिर मशहूर हो जाता है ये आर्टिस्ट का गाना है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक तो कनिका के साथ 2 गाने हैं जो अभी आएंगे अगले 2 महीने में और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को शादी पे और पार्टीज़ में डांस करने के लिए 2 गाने और दे रहे हैं रिक्रिएशन जो हो रहा है आजकल वो ऐसा है कि जब पहले 2-4 गाने हुए तो नहीं चले फिर और 2-4 हुए तो वो चल गए तो फिर लोगों को अच्छे लगने लगे तो बहुत बड़ी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनको रिक्रिएशन बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सी ऐसा हमारा यूथ है जो 16 से लेके जो 22 साल का जो यूथ है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा संख्या है हमारे हिंदुस्तान की वो म्यूज़िक सुनते हैं उन्होंने ये गाने सुने ही नहीं है तो जब ये गाने दोबारा आते हैं तो इसी बहाने वो गाने जिंदा हो जाते हैं कुछ अच्छे बनेंगे कुछ ख़राब बनेंगे जैसे हम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि हमको ओरिजिनल म्यूज़िक पसंद है फिर भी हमने मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनाया था वो बहुत हिट हुआ हाई हील्स बनाया था गर्ल बन गई बनाया था तो वो सब गानों लोगों ने बहुत पसंद किया वो सब आज 150-200 मिलियन हिट्स पे गाने पे खड़े हुए हैं पर कुछ गाने होते हैं जो रिक्रिएट नहीं हो पाते ठीक से लोगों को नहीं अच्छे लगते लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं तो उन पे जो लोग बनाते हैं उसको उनको गालियाँ भी पड़ती हैं बट अब ये हर तरीके की दुनिया है बहुत बड़ा हमारा हिंदुस्तान में म्यूज़िक सुनने वाले अरबों में है तो फिर कुछ लोगों को वो पसंद है तो हर किसी के लिए हर तरीके का म्यूज़िक बनाना ही पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बॉलीवुड और दुनिया में आप आज के टाइम अभी इस वक्त सिर्फ एक ही युवा का नाम है आसिफ आगा तो आप उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे वो लव देखिए ये ऐसा एक मुद्दा है जो अभी हमारे देश को बहुत टाइम से ये एक तरीके से वॉर चल रहा है हमारी देश की लड़कियों के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही सेफ नहीं फील करती तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है और मतलब कभी कभी शर्म भी आती है यार कि अब जिस देश में रह रहे हो उस देश में हो रहा है और कोई रोक नहीं पा रहा है इस चीज़ को तो मतलब कोई शब्द नहीं होते कि हम भी बच्चेदार लोग हैं तो अपने बच्चों को हम जब भेजते हैं स्कूल भेजते हैं बाहर भेजते हैं तो मन में हमारे ख्याल आता है यार कि जबकि हमारे पास अब सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है फिर भी घबराहट होती है तो इसलिए ये मूल मंत्र जैसा रिकॉर्ड किया है कनिका ने इन चीज़ों से शायद लोग अपने अंदर की जो आत्मा है उसको प्योर करें उसको जगाएं और आगे मतलब ऐसे कोई भी विचार भी आने से पहले एक बार सोचें यार कि किसी की ज़िंदगी और किसी पूरी जब ऐसा किसी के साथ होता है तो परिवार के परिवार उसमें बहुत दुखी होते हैं और ऐसी बद्दुआ लेके इंसान फिर मतलब कैसे जीता है मेरे को समझ नहीं आता हाँ उधर भी जाते हैं रुको ना सर मैम लास्ट कॉर्नर देखा नहीं कनिका चलो चलो कनिका स्ट्रेट चलो भाई
He has always been with Times Music and our releases from Shreya Ghoshal to the Kanika Kapoor. So I'm very glad, Suriji, that you are a part of this. And especially because this is the Moola Mantra, the spiritual journey of everybody starts with something that you believe in. And I'm sure when we were discussing with Kanika about the Moola Mantra, she immediately agreed and she said, I'll be more. I must say that Times Music has worked on this project and many spiritual projects. Reshma, to Nico, and thanks to Meenal, his wife, who has been, you know, helps me to push him to do a lot of things. Thank you very much, everybody. And one of the Meet Brothers, thank you, because when you come, we say Meet Brothers, because you both are always meet. Yeah. So we are so glad that you are here on this occasion. And Kanika, can you please speak few words, please? Hi, good evening, everyone. I'm speechless, actually. I did not expect this. This is great. I'm very excited. And finally, after a long time of trying and trying and retrying, main aap sabko bata dun, humne ye डेढ़ साल पहले, शायद उससे भी पहले से ये बातचीत चल रही है हमारी. एंड मैंने एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और मुझसे नहीं हुआ. एक बार और उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और मुझसे नहीं हुआ. एंड ये बात नहीं थी कि मुझसे नहीं हुआ, ये इतनी स्पेशल ये एक सिमरन है, इतना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं अपने आप से उस अपने जैसे मैं गा रही थी उससे खुश नहीं थी. सो इट टुक टाइम बट इवेंचुअली दिल से निकली हुई आवाज़ आज आप सब लोग तक पहुंच गई है. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड उतनी नर्वस हूँ कि जितनी मैं सबसे पहले दिन थी जब मैं यहाँ बॉम्बे आई थी. एंड क्योंकि एक नई जर्नी है एंड मैं और भी बहुत अच्छे और नए और पुराने गीत और भजन और कुछ और सिमरन गाना चाहती हूँ जो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं. एंड एक नई जर्नी है मेरे लिए. आई थिंक इट्स द फ्रूट, इट्स अ फूड फॉर आवर सोल. एंड एंड हर इंसान को जिस चीज़ में जो 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 भी कुछ जो कुछ सुनने में जिसको खुशी मिले, this Mool Mantra is one of the prayers which I have been listening to forever. जब मैं लंदन में थी तब मैंने पहली बार 20 साल पहले इसे सुना था. And that's it. I'm here and I'm very excited and thank you so much. Thank you so much for being here and everyone in the team for giving me this opportunity. Thank you. This must be divine intervention. पहली बार उनको नहीं अच्छा लगा कि मैं फिर से कोशिश करती हूँ. एंड इट वॉज डिवाइन इंटरवेंशन. एंड व्हेन इट हैपेंड एंड हाउ. आई विल जस्ट टेल मिस्टर गुरपाल सिंह टू ऑनर हर विद सरोपा. बोले सोनहार. आई विल टेल मिस्टर सूरी टू ऑनर मिस्टर मनमीत सिंह विद सरोपा. I will love Sarupa for Mr. Nico Harpreet Singh, who has been part of this. I will now tell somebody to start the video and you can all enjoy whatever we have put the heart of our song. Please. एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसा ऑफर मिलेगा कि मुझे एक भजन या एक सिमरन एक प्रेयर गाने को मिलेगी जो इतनी इम्पोर्टेंट है सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करोड़ों लोगों के लिए. और जब मैंने कह तो दिया हाँ ऑफ कोर्स मैं करूँगी,
एंड जब मैं स्टूडियो में गई तो आई थिंक मैं नर्वस थी. जनरली हम स्टूडियो जाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग होती है, गाना एक दिन में, कुछ घंटों में, तीन चार घंटे में पूरा गाना रैप अप हो जाता है. ये हमने बहुत ही बढ़िया स्टूडियो में गए, वहाँ मूल मंत्र तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत सालों से मैं सुनती हूँ. और मैंने जब गाने की कोशिश करी तो वो बात नहीं आई जो मैं सुनना चाहती थी अपने आप से या एक मूल मंत्र से. एंड मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं हूँ, तो अभी नहीं निकाल सकते. कुछ महीनों बाद हमने फिर ट्राई किया, फिर भी मुझे पसंद नहीं आया, तो वो भी थोड़ा नर्वस हो गए, मैं भी नर्वस हो गई कि ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है. फिर कुछ समय के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आई थिंक अब मैं तैयार हूँ. हम स्टूडियो में गए एंड आई थिंक आधे घंटे में मैंने एक बार पूरा गाया एंड एक दिल से निकला. आई थिंक एक जो एक डर था वो निकल गया. तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट गाना तो नहीं कहूँगी, एक सिमरन था मेरे लिए. एंड आई होप कि आगे भी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया भजन भी गाऊँ एंड काफ़ी और आगे ऑफर्स मिले. एंड मैं अपनी आवाज़ को सुन इस तरीके से सुनने में मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत कामिंग है. आई थिंक हमारी सोल के लिए कि इट्स फूड फॉर सोल, यू नो. एंड सबको सुनना चाहिए, सबको मेरा वर्जन भी सुनना चाहिए, सबके वर्जन सुने. आई थिंक मैं भी सबके वर्जन सुनती. सो थैंक यू सो मच. एंड आप लोग सब यहाँ आए, आपने इसको इतना सपोर्ट किया, ये मेरे लिए बहुत 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 खुशी का दिन है. थैंक यू सो मच. जी एक्चुअली स्कूल में हम गाते थे एंड जब मैं 13 साल की थी तो मैंने अनूप चलोटा जी के साथ 3-4 साल उनके साथ स्टेज पे काफ़ी गाया है. तो हम बहुत से डिफरेंट जगहों पे जाते थे. जब पंजाब गए हैं तो हमने वहाँ पर इससे शुरुआत करते थे. एंड लंदन में जब मैं शिफ्ट हुई, पिछले 20 साल से लंदन में रहती हूँ एंड वहाँ सिख कल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है. एंड मेरे ख्याल से जो अपने देश से बाहर रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपने कल्चर से उनकी एक आई थिंक एक कनेक्शन ही अलग है. तो वहाँ मैं रोज़ सुनती थी एंड आज खुद भी गा रही हूँ एंड सबको भेजा मैंने. जिन जिन को मैं जनरली अपने गाने कभी ऐसे शेयर नहीं करती, बट मैंने ये मूल मंत्र सारे लोगों के साथ शेयर किया है एंड आज मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी. आज का वेट कर रही थी. सो थैंक यू सो मच. जी मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ. बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं, बहुत सारा म्यूज़िक खुद भी प्रोड्यूस कर रही हूँ जो और सिंगर्स ने गाए हैं मेरे लिए. वेल आई हैव सम ग्रेट सॉन्ग्स कमिंग विद सम न्यू कमर्स जिनको मैं ऑन बोर्ड लाई हूँ. मीत ब्रदर्स के साथ ऑफकोर्स 3-4 गाने हैं और काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ. एक बहुत बड़ा मोरक्कन अरबिक कोलैबोरेशन है, एक स्पैनिश कोलैबोरेशन है. सो कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज एक मेरे ख्याल से म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा गैप आया हुआ है जहाँ सिर्फ रीमेक्स हो रहे हैं. तो कुछ ओरिजिनल म्यूज़िक जो आप सबको पसंद आए, दुनिया को पसंद आए, जैसे बेबी डॉल लेकर आई थी, अब आगे कुछ और लेकर आऊँगी. ऑनेस्टली मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 2 साल में हुआ क्या कि हमको एक ऐसा दौर निकला जिसमें बहुत सारे रीमेक्स अच्छे भी हैं और बहुत सारे रीमेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं. क्या मतलब किसी का नाम ले सकते जी? मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहती एंड बिकॉज इट्स नॉट फेयर. मुझे भी बहुत से गानों के लिए बुलाया गया एंड सो मैंने भी गाए हैं कुछ रीमेक्स. सो इट इज़ नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट आई थिंक अब हम मैं भी और आप भी दुनिया
सब स्टाफ कर रही है नए गानों के लिए, अच्छे लिरिक्स के लिए, मोटिवेशनल गानों के लिए, स्पिरिचुअल गानों के लिए. एंड मैं वेट कर रही थी कि आज ये मूल मंत्र निकले, उसके बाद एक नई शुरुआत फिर से हो. देखिए, मेरी अपनी दो लड़कियां हैं और एक 10 साल की है, 13 साल की है, तो मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग बात है. एक्चुअली ये आज की कहानी नहीं है, ये तो इतने समय से चलती आ रही है कहानी. और आज हम सब लड़कियां और मदर्स, फादर्स, सब पेरेंट्स, सब बहुत एक डर में रहते हैं. मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ एंड मुझे लगता है कि मेरी लड़कियां अकेली हैं, हम अकेले हैं, हमारी टीम में बहुत सी लड़कियां हैं. सो एक बहुत ही शेमफुल बात है. और अगर आज हमारे देश में हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को, इस बात के लिए कुछ किया नहीं, तो इसमें बहुत बड़ी, बहुत ही शर्मनाक बात है. एंड आई होप दैट हम सब मिलकर इस चीज़ को रोकने में पूरी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें. थैंक यू. रुक गया मैम, पीछे ला रहे कैमरा. हाँ, एक्सक्यूज मी, कम दिस साइड मैम. सुरी सर, फटाफट.